आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी ई पंजाब स्कूल वेबपोर्ट पर। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एक न्यू लिंक फिर से अवेलेबल हुआ है आपका ऑब्जेक्शन का, जो ईटीटी जेवीडी की जो रैशनलाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वहाँ पर फिर से एंटाइटलमेंट क्रिएट हुई है और जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो फिर से आपको सबमिट करने का एक मौका मिला है। वो इंटाइटलमेंट आप कैसे चेक करोगे, कैसे आप अपना ऑब्जेक्शन लिंक सबमिट करोगे वो बताएंगे हम इस वीडियो में। तो इस वीडियो को टिल एंड देखें क्योंकि इसमें ऑब्जेक्शन लिंक में एक न्यू मॉड्यूल आपके सामने डिस्प्ले हुआ है, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे एक स्कूल में, हम चेक करेंगे एंटाइटलमेंट। एंटाइटलमेंट को चेक करने के लिए आपने स्कूल में जाकर स्कूल लॉगिन में जाना है और वहां पर आपने अपने स्कूल की जो एंटाइटलमेंट है वो चेक करनी है। तो यहां मैंने लॉगिन किया हुआ है एक स्कूल में, यहां पर हमने इस स्कूल की एंटाइटलमेंट चेक करनी है। एंटाइटलमेंट चेक करने के लिए आप यहां पर लेटेस्ट पे जा सकते हो। यहां पर लेटेस्ट पे हमारे पास देखिए यहां पर लिस्ट ऑफ सरप्लस स्टाफ का जो आपका एक लिंक है ये अवेलेबल है, यहां पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके स्कूल की जो एंटाइटलमेंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपके स्कूल में से कोई स्टाफ सरप्लस हुआ है उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, जितने भी आपके स्टाफ आपके स्कूल के सरप्लस होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक स्टाफ सरप्लस है तो इनकी यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब हमने करना क्या है, जो स्टाफ सरप्लस हुआ है अब इस स्टाफ को एक फिर से ऑप्शन मिला है कि आप जो अपना ऑब्जेक्शन है वहां पर आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्शन फिल कर सकते हो। ऑब्जेक्शन फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टाफ लॉगिन में लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें स्टाफ लॉगिन में जाना पड़ेगा। तो हम यहां से करते हैं लॉग आउट और लॉगिन में जाते हैं स्टाफ लॉगिन में। अब यहां पर हमने क्या करना है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपने क्या करना है, लॉगिन करना है अपने स्टाफ लॉगिन में। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है एक स्कूल में जो स्टाफ आपका सरप्लस था, तो यहाँ पर हमारे पास उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, अप्लाई में जाना है। अप्लाई में हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर रैशनलाइजेशन ऑब्जेक्शन का फिर से लिंक जो है आपका अवेलेबल हो चुका है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर वो डिस्प्ले करवाएगा। अब आपने करना क्या है, ऑब्जेक्शन टाइप, देखो ऑब्जेक्शन टाइप में देखिए पहले आता था अदर टीचर सरप्लस और अदर टीचर इज रेडी टू रिप्लेस, ये दो ऑप्शन ही हमारे पास अवेलेबल थे। अब यहाँ पर आप एक जनरल ऑब्जेक्शन भी क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। जनरल ऑब्जेक्शन में आपकी जो नीचे वाली जो दो एक फील्ड थी वो आपकी क्या चली जाएगी, डिस्प्ले नहीं होगी, सीधा आप यहाँ पर रिमार्क्स में जाके अपना जनरल जो भी ऑब्जेक्शन है यहाँ पर आप फिल करके सबमिट ऑब्जेक्शन पर क्लिक कर दोगे। वैसे ही अगर आपको लगता है कि सम अदर टीचर अगर सरप्लस है तो आप यहाँ पर क्लिक करके क्या करोगे, उसका जो नाम है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दोगे एंड देन यहाँ पर फिर क्या करोगे आप उसका रिमार्क्स लिख के सबमिट कर दोगे। अगर कोई अदर टीचर रेडी है रिप्लेस के लिए तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको एक जनरल ऑब्जेक्शन का भी जो लिंक है वो अवेलेबल अब हो चुका है। तो ये आपको मिलेगा आपका अप्लाई सेक्शन में जाकर आपका रैशनलाइजेशन ऑब्जेक्शन लिंक में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि आपने जो ऑब्जेक्शन लिंक है उसको आपने कैसे फिल करना है और आपने जो एंटाइटलमेंट है उसको आपने कैसे चेक करना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलियाना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।